हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एम्फीबियन का डेवलपमेंट पढ़ा, एम्फीबियन का पोलैरिटी कैसे डेवलप हुई, एम्फीबियन में न्यूकूप सेंटर कैसे फॉर्म हुआ, फिर स्पीमेन ऑर्गेनाइजर कैसे फॉर्म हुआ, स्पीमेन ऑर्गेनाइजर ने कैसे माइक्रोमेयर सेल्स को इंड्यूस करा, देन एक्टोडर्म डिफरेंशिएशन, मेसोडर्म डिफरेंशिएशन। सो हमने प्रीवियस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर किए। आज हम एम्फीबियन के ही कुछ केसेस को, एम्फीबियन में इफ ये इवेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये इवेंट नहीं होगा तो क्या होगा, उन केसेस को स्टडी करेंगे। वो सब करने से पहले आपको एम्फीबियन डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ना होगा। सो इफ आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, सो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस आता है इफ कॉर्टिकल रोटेशन ब्लॉक हो जाए, इफ कॉर्टिकल रोटेशन ब्लॉक हो जाए। अब कॉर्टिकल रोटेशन ब्लॉक हो जाएगा तो डीएसएच मूव नहीं कर पाएगी, डीएसएच मूव नहीं करेगी तो और आगे के जो इवेंट्स हैं, बीटा कैटेनिन का एक्टिवेशन होना, साइमोस्टिन का एक्टिवेशन होना, वो सब इवेंट नहीं हो पाएंगे। साइमोस्टिन का एक्टिवेशन नहीं होगा तो आगे के मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रुलेशन नहीं होगा। तो मींस हमारा सेल ब्लास्टुला स्टेज में वहीं रुक जाएगा, वो गैस्ट्रुलेशन नहीं कर पाएगा, तो हमारा एम्फीबियन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सेकेंड केस, इफ कॉर्टिकल रोटेशन 30 डिग्री ना होके 90 डिग्री हो जाए, इफ कॉर्टिकल रोटेशन 30 डिग्री ना होके 90 डिग्री हो जाए, तो क्या हमारा जो एम्फीबियन डेवलपमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगा? नहीं। एम्फीबियन डेवलपमेंट जो डॉर्सल साइड से स्टार्ट हो रहा था वो सब वेंट्रल साइड से स्टार्ट हो जाएगा, जो इवेंट डॉर्सल साइड थे वो वेंट्रल साइड हो जाएंगे और जो इवेंट वेंट्रल साइड थे वो डॉर्सल साइड हो जाएंगे। तो इट मीन्स इफ 90 डिग्री का रोटेशन होगा सो वेंट्रल साइड से स्टार्ट हो जाएगा पूरा डेवलपमेंट होना। देन कुछ केसेस, देन कुछ टाइप्स हैं जिनसे एवरी टाइम क्वेश्चन आते हैं, उसको समझते हैं। सेल्स 2 टाइप्स की होती हैं, या तो वो कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड टाइप की होंगी या वो ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट मोज़ेक टाइप की होगी। कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड टाइप की सेल्स अभी स्पेसिफाई नहीं हुई है। इट मीन्स वो सेल जिस पोर्शन में प्रेजेंट थी ये मैटर नहीं करता, उन सेल को एक्सट्रैक्ट करके जिस पोर्शन में रखा गया है वो मैटर करता है। मीन्स उन सेल का अपना अभी कोई फंक्शन स्पेसिफिक नहीं हुआ है, वो जिस लोकेशन में थी, मीन्स वो सेल डॉर्सल साइड थी, ये मैटर नहीं करता। उन सेल को डॉर्सल साइड से हमने वेंट्रल डाल दिया तो अब वो वेंट्रल साइड की तरह बिहेव करेंगी, मीन्स वो अभी स्पेसिफाइड नहीं हुई है अपने फंक्शन को लेके, अपने प्रॉपर्टीज को लेके। उनको जिस लोकेशन में पुट किया जाएगा वो वैसे ही लोकेशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगी, वैसे ही लोकेशन के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगी। सो डजंट मैटर फ्रॉम वेयर सेल्स आर एक्सट्रैक्टेड, मैटर वेयर सेल्स आर पुट इनटू। इस टाइप की सेल्स के केसेस में ये मैटर नहीं करता कि हमने सेल्स को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, बिकॉज वो उनकी प्रॉपर्टीज को लेती ही नहीं है क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं हुई है। मैटर ये करता है हमने उनको किस एनवायरमेंट में रखा है, बिकॉज हम उनको जिस एनवायरमेंट में रखेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को स्पेसिफिक कर लेंगी, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगी। इनको बोलते हैं कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड टाइप ऑफ सेल्स। सेकेंड टाइप की सेल्स आती हैं ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट मोज़ेक टाइप सेल्स। ये सेल्स अपने फंक्शन को लेके स्पेसिफिक हो चुकी होती हैं और इन सेल्स में ये मैटर नहीं करता कि इन सेल्स को किस एनवायरमेंट में रखा गया है, जिस एनवायरमेंट से आई हैं उसी की तरह बिहेव करेंगी चाहे इनको किसी भी एनवायरमेंट में रखा जाए। इट मीन्स ये अब तक स्पेसिफाइड हो चुकी हैं अपने फंक्शन के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, ये अब एनवायरमेंटल डिपेंडेंट नहीं रही हैं, ये इंडिपेंडेंट बन गई हैं और ये ऑटोनोमस फंक्शन करती हैं। मोज़ेक क्यों फंक्शन करती है, इनको कहीं और रख दिया तो वहां मोज़ेक डेवलप हो जाएगा, कोई और साइज अलग टाइप की होंगी और ये अपने अपना बिहेव अलग तरीके से करेंगी। तो ये ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट मोज़ेक टाइप सेल्स होती हैं जो कि अपने एनवायरमेंट जहां पे ये रहती थी, जहां की ये थी, उनकी तरह बिहेव करती है, ना कि उनकी तरह जहां ये पहुंची है, जहां इनको पुट किया गया है। इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जहां से सेल एक्सट्रैक्ट किया गया है वहां की तरह फंक्शन करें रैदर देन जहां उनको पुट किया गया है। तो 2 टाइप की सेल्स होती हैं, कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड सेल्स, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट मोज़ेक टाइप ऑफ सेल्स। सो अब क्या होता है, जो हमारा अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज होती है वो हमारा, इसको हम CDR भी बोल सकते हैं, CDR, और इसको हम AIM भी बोल सकते हैं। वो CDR की तरह बिहेव करती हैं, वो कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड होती हैं। बट जैसे ही गैस्ट्रुला
की स्टेज आती है, गैस्ट्रोला लेट स्टेज में पहुंचता है, वो ए उनकी सेल्स एआईएम की तरह बिहेव करती हैं। मींस जब अर्ली गैस्ट्रोला स्टेज होती है तो वो अभी स्पेसिफाइड नहीं होती अपने बिहेवियर को लेके, अपने फंक्शन को लेके, बट जैसे ही गैस्ट्रोला से लेट गैस्ट्रोला स्टेज आती है तो वो अब स्पेसिफाइड हो चुकी होती हैं अपने फंक्शन को लेके। सो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप से आते हैं कि अर्ली गैस्ट्रोला से हमने ये सेल्स को पिक किया और किसी और एग की लेट गैस्ट्रोला में पुट कर दिया, तो अब वो सेल क्या फंक्शन करेगी? तो वो जिस एरिया में उसको पुट किया गया है उसी की तरह फंक्शन करेगी। इफ हम कहें हमने लेट गैस्ट्रोला से कोई सेल लिया और उसको किसी और एग में पुट करा, तो अब वो फंक्शन कैसे करेगी? जैसा जिसके लिए वो स्पेसिफाइड, ना कि उसकी तरह जिस एनवायरमेंट में उसे रखा गया है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस आता है। एक्सेप्शन केस आता है कि अर्ली गैस्ट्रोला की सेल्स स्पेसिफाइड नहीं थी, बट जो टिप सेल्स होती हैं, जब गैस्ट्रोलेशन होता है तो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसको टिप सेल बोलते हैं। ये जो टिप सेल है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होती हैं अर्ली गैस्ट्रोला में, और वो अर्ली गैस्ट्रोला स्टेज में स्पेसिफाइड होती हैं हेड फॉर्म करने के लिए, और जब लेट गैस्ट्रोला आता है तो वो स्पेसिफाइड होती हैं ट्रंक फॉर्मेशन के लिए। मीन्स जो टिप की सेल्स हैं वो ऑलवेज स्पेसिफाइड रहती हैं। मीन्स जो हमारी टिप की सेल्स हैं वो ऑलवेज स्पेसिफाइड रहती हैं। स्टार्टिंग में वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हेड का फॉर्मेशन करने में, मीन्स वो हेड का फॉर्मेशन करती हैं, और जब लेट गैस्ट्रोला आता है तो जो टिप पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो ट्रंक का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, सो इफ अर्ली गैस्ट्रोला में कहीं से भी हम सेल्स को पिक करें तो वो फंक्शन जिस एनवायरमेंट में ले जाएंगे उसी की जैसा करेंगी, सिर्फ टिप की सेल्स को छोड़ के। टिप की सेल्स ऑलवेज हेड का फॉर्मेशन करेंगी। अब क्या होता है, दो केस आते हैं। इफ हमने जो अर्ली स्टेज गैस्ट्रोला था, फर्स्ट गैस्ट्रोला की अर्ली स्टेज की टिप की सेल्स ली और उनको अर्ली स्टेज गैस्ट्रोला की सेकेंड एग में पुट कर दिया, तो टू हेड लावा बना। बिकॉज इसकी जो टिप थी फर्स्ट एग की वो रिस्पॉन्सिबल थी, जो टिप थी हमारी फर्स्ट एग की वो रिस्पॉन्सिबल थी हमारी किसके लिए? वो रिस्पॉन्सिबल थी हेड के लिए। हमने उसको अर्ली गैस्ट्रोला स्टेज में पुट किया सेकेंड एग की, तो जो जिस सेकेंड एग में हमने उसको पुट किया, सेकेंड एम्ब्रियो में पुट किया, वो सेल्स में जो टिप थी वो भी हेड बना दी थी, तो दो हेड हो गए, तो टू हेड लावा प्रोड्यूस हुआ। सेकेंड केस आता है, जो हमारी लेट गैस्ट्रोला स्टेज थी फर्स्ट एम्ब्रियो की, उसकी टिप ली। अब जो लेट गैस्ट्रोला स्टेज होती है उसकी टिप ट्रंक फॉर्मेशन करती है, उसकी टिप को पुट किया अर्ली गैस्ट्रोला स्टेज ऑफ सेकेंड एम्ब्रियो। जब हमने अर्ली गैस्ट्रोला स्टेज ऑफ सेकेंड एम्ब्रियो में उसको पुट किया, तो यहाँ पे टिप जो है अभी वो हेड फॉर्म करेगी, पर जब वो लेट में जाएगा तो जो टिप है वो ट्रंक फॉर्म करेगी, और ये वाली टिप ऑलरेडी ट्रंक फॉर्म कर रही है बिकॉज ये लेट की है, तो टू ट्रंक हो गए, वन हेड हो गया, तो यहाँ पे टू ट्रंक लावा प्रोड्यूस होता है, टू ट्रंक लावा बनता है। सो हमें ये पॉइंट माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि एक तो सीडीआर सेल्स होती हैं, एक एआईएम सेल्स होती हैं। सीडीआर सेल्स को जिस एनवायरमेंट में रखा जाए वो उसी की तरह फंक्शन करती हैं, उनका अपना कोई फंक्शन स्पेसिफाई नहीं होता। बट जो हमारी एआईएम सेल्स होती हैं उनका अपना खुद का फंक्शन स्पेसिफाई होता है, और वो दूसरे एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होती, वो अपने जैसा उनको बिहेवियर करना है, जैसा उनको फंक्शन करना है वही फंक्शन करती हैं। ओके, अब अर्ली गैस्ट्रोला में जो सेल्स होती हैं वो सीडीआर होती हैं, जो लेट गैस्ट्रोला में होती हैं वो एआईएम होती है। बट अर्ली गैस्ट्रोला की और सारी सेल्स तो सीडीआर है, बट जो टिप है वो एआईएम होती है। टिप जो है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है किसके लिए? हेड के लिए, और वही टिप लेट गैस्ट्रोला स्टेज में स्पेसिफाइड हो जाती है ट्रंक के लिए। ये पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने हैं। अब इनसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना के क्वेश्चन आता है। डेवलपमेंट एंड बायोलॉजी में ऑलवेज टू क्वेश्चन आते हैं एम्फीबियन के क्वेश्चन से। सो एक क्वेश्चन हमारा जो आ सकता है वो हमारा मेसोडर्मल डिफरेंशिएशन, एक्टोडर्मल डिफरेंशिएशन, या हमारा गैस्ट्रोलेशन कैसे हुआ, जो हमारी प्रीवियस वीडियो का फुल मैटर है उसमें से आ सकता है ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हमारा केसेस से आता है, जो कि केसेस हमने आज करे हैं। इसमें हमें सीडीआर और ईआईएम का कॉन्सेप्ट ऑलवेज माइंड में रखना है, तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सो ये आपका कंप्लीट होता है एम्फीबियंस का डेवलपमेंट। सो बेस्ट ऑफ लक।